हैरानी होती है इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को देखते हुए। अरे ये भी तगड़ा है यार, हमने ये पार करना है क्या? और ये देखिए सारा पानी, ये एक पल आएगा जब ये इकट्ठा कर दिया जाएगा। यहाँ पर ये डैम बनाने की तैयारी कर रहे हो। और ये देखिए कितने बड़े बड़े गेट है, वाह। जेसीबी पूरी रफ्तार में चलता हुआ, ये आम का बगीचा। तो चलिए हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। एक प्रोजेक्ट सा नज़र आया है जिसे देख हमें अंदाज़ा यही होता है कि शायद यहाँ पर ये डैम बनाने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ये नीचे से लेके ऊपर तक डंगा लगाने की तैयारी में है। डंगा तो क्या, जो भी ये कंस्ट्रक्शन होगी, ये बहुत ही ऊंचा बनेगा ये बांध। नदी भी बहुत बड़ी है, इतनी छोटी नदी भी नहीं है। अरे ये भी तगड़ा है यार, हमने ये पार करना है क्या? थोड़ा फोटो ले ले फिर। और ये है यहाँ पर यमुना ब्रिज, जिसे हम अभी थोड़ा देखेंगे। और ये देखिए सारा पानी, ये एक पल आएगा जब ये इकट्ठा कर दिया जाएगा, क्योंकि ये यमुना नदी पर बना है। हैरानी होती है इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को देखते हुए। चलिए महाशय। और ये हमारी बाइक थोड़ी दूर खड़ी की हमने। यमुना नदी पे बना यमुना ब्रिज, और ये देख कितने बड़े बड़े गेट है, वाह। पर गेट ये तो बाद में बंद कर देगा था, जब खासकर पुराना रोड हो ना, जैसे ये ऐसे ऐसे रोड पे। अब सीधे की कहाँ, सीधा ही होगा। और ये देखिए एक और पुल आता हुआ नदी के साथ साथ थोड़ा सा शुरू हो जाएगा, जैसे पूरी रफ्तार में चलता हुआ। बहुत तीखे टान लेते हैं लोग, बस टन स्टोर करते हैं। और ये आम का बगीचा, आम के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ। ये देखिए यहाँ पर तो स्पीड हम पकड़ ही नहीं सकते, फुल स्पीड पकड़ो तो स्लो हो जाता है। ये देखिए, और फिर यही है थोड़ा इतना स्पीड। और ये देखिए क्या बढ़िया पेड़ लगा है दृश्य यहाँ का। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बाहर के बाजार में, क्योंकि हम जा रहे हैं पांवटा साहिब यहाँ से, क्योंकि वहीं से शिमला हम निकल सकते हैं। तो बस ये छोटा सा एक बाज़ार था, यहाँ पे हमने थोड़े फ्रूट्स लिए जो कि यहाँ पे प्लास्टिक में मिलते हैं। सहारनपुर यहाँ से 66 है, चंडीगढ़ 119 और पांवटा साहिब 14 और अम्बाला 117। अब हमारा प्लान था कि पांवटा साहिब तो बहुत ही पास है, अब हम नाइट स्टे शायद कहीं आगे करेंगे। बाकी हम यहाँ पे थोड़ा रुके थे रेस्ट करने के लिए, कुछ खाते पीते हैं, फ्रूट्स वगैरह। सीधे जाना है, पांवटा साहिब तो इधर है, इधर को बोला उसने, ठीक है। दो गेट है यहाँ पर, ये है यहाँ का मेन गेट और ये पांवटा साहिब का गुरुद्वारा, जो कि काफ़ी अच्छा है, जो कि काफ़ी बड़ा है और बहुत ही खूबसूरत है। ये था यहाँ का लंगर हॉल, गुरुद्वारे में लोगों की सेवा करते हैं, 24 घंटे लंगर चला रहता है, तब चाय पी सकते हो, पूरी तरह से अच्छी सेवा की जाती है। और ये है पांवटा साहिब का ब्रिज, झील सी बन गई है, ये काफ़ी अच्छा ग्राउंड है यहाँ का। और यहाँ पे तैयारी हो रही है फुटबॉल के मैच की। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखें।